हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाली हूँ परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये जो मैं डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के लिए जो नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी, हिंदी मीडियम स्टूडेंट के अकॉर्डिंग है। समझ आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट सकते हो इससे, और इंग्लिश मीडियम के लिए नोट्स मैं लास्ट में आपको दे दूँगी PDF की फॉर्म में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम मतलब परमाणु, दो चीज़ें होती हैं हमारी, परमाणु और अणु। तो अणु होता है मॉलिक्यूल और परमाणु होता है हमारा कोई भी एटम। तो एटम क्या है, सिंपल एक नंबर में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द एटम। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल या सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना विभाजित हुए भाग लेता है। कोई भी आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है और उस केमिकल रिएक्शन का सबसे छोटा जो पार्टिकल है वो हमारा एटम कहलाता है। 19th सेंचुरी में जो डाल्टन थे उन्होंने एटम के बारे में बात की थी। उनका डाल्टन का परमाणुवाद अच्छे से आप सुना भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा। उनके बाद जब 20th सेंचुरी आई तब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, चैडविक ने, थॉमसन ने। तो जो हमारे डाल्टन थे, डाल्टन ने केवल इतना बताया था कि एटम जो है अविभाज्य है, वो फर्दर विभाजित नहीं हो सकता। लेकिन बाकी 20th सेंचुरी में देखा गया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों प्रेजेंट होते हैं। इसलिए जो डाल्टन का परमाणुवाद था वो जो है एक तरीके से फेल हो गया था। और नेक्स्ट रदरफोर्ड, चैडविक और जे.जे. थॉमसन ने एटम के अंदर सूक्ष्म कणों की खोज की थी जिनसे मिलकर हमारा एटम बना था। तो एटम के केंद्र में, सपोज करो ये कोई हमारा एटम है, इसके केंद्र में होते हैं हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर होती हैं ऑर्बिट कक्षाएं जिनके अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन घूमता है। ठीक है, तो एटम जो होता है, एटम के अंदर दो तरीके के सूक्ष्मकण मिलते हैं, एक स्थाई और दूसरे अस्थाई। तो अगर मैं बात करूं स्थाई कण कौन से होते हैं हमारे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक है, आप स्क्रीन पर देखो ध्यान से, जो हमारे स्थाई या स्टेबल जो कण हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, अस्थाई कण जो अनस्टेबल होते हैं वो हैं हमारे पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉनों, एंटी न्यूट्रॉनों और मीजॉन। तो सिंपल एक नंबर में क्वेश्चन यही आता है कि पहचानो इनमें कौन से हमारे स्थाई कण हैं। कोई भी एग्जांपल आपको दे देगा और आपको टिक करना होता है कि ये हमारे स्थाई हैं और ये हमारे अस्थाई हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक टेबल आपको दिखाई दे रही होगी नीचे, डिस्कवरी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे.जे. थॉमसन ने 1897 में। प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी रदरफोर्ड ने 1919 में, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे. चैडविक ने 1932 में। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका 90% आता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी। नेक्स्ट, इसका सिंबल क्या है, प्रतीक क्या है। तो जो इलेक्ट्रॉन है इसका सिंबल क्या होता है, ई नेगेटिव, क्योंकि इसकी जो यूनिट होती है उस पर क्या आवेश होता है, क्या चार्ज होता है, -1। नेक्स्ट हमारा जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की जो यूनिट होती है वो होती है +1, आवेश कौन सा होता है, पॉजिटिव। ठीक है, +1। और न्यूट्रॉन होता है हमारा न्यूट्रल, उदासीन, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो इसका आवेश भी ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में पूछा जाता है। जो पहला पार्ट होता है आपके एग्जाम का उसमें आपको 1-1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन करने होते हैं आउट ऑफ 12, 12 में से 10 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो वो एक एक नंबर के क्वेश्चन स्टार्टिंग वाले चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर से बनते हैं, और सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट अगर आपके एग्जाम में करती है तो पहली यूनिट ही करती है, क्योंकि ये पहली यूनिट 3 चैप्टर से मिलकर बनी है, परमाणु संरचना, आवर्त सारणी, रासायनिक आबंधन। ठीक है, और इसमें इन तीनों में भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एटॉमिक स्ट्रक्चर।
तो इसका कई बार द्रव्यमान भी पूछा जाता है, किलोग्राम में भी पता होना चाहिए आपको और ईएमयू में भी पता होना चाहिए। तो स्क्रीन पर साफ साफ लिखा है कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.10937 मल्टीप्लाइड 10⁻³⁰ kg। ठीक है, ऐसे ही प्रोटॉन का भी है और न्यूट्रॉन का भी है। तो आपको ये टेबल अच्छे से याद करनी है, ठीक है ना। तो ये है आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से रिलेटेड। अब इसकी डिस्कवरी से रिलेटेड जो थ्योरी है, जैसे कि कैथोड जो हमारी किरणें थी इससे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, कैनाल किरणें थी, ठीक है, जो एनोड से निकली थी उससे हमारी प्रोटॉन की खोज हुई थी, बेरिलियम से सिंपल बेरिलियम की रिएक्शन जब कराई गई थी हीलियम के साथ तो वहाँ पर हमारी डिस्कवरी हुई थी न्यूट्रॉन की। लेकिन हमें डिस्कवरी से रिलेटेड बात नहीं करनी है। बेरिलियम की अल्फा कणों से बमबारी करने के बाद एक नया, मतलब एक तरीके से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, तो हमें डिस्कवरी की बात नहीं करनी। बहुत कम क्वेश्चन आता है यहाँ से, हमें किसने डिस्कवर किया था, इसका द्रव्यमान क्या होता है और इसका सिंबल क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल है आपका जो आपके सिलेबस में है, नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल। तो नील्स बोर से पहले रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था, उससे पहले थॉमसन का था, और थॉमसन से पहले था डाल्टन का। तो जो नील्स बोर ने बेसिकली जो मेन काम किया था वो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष ड्रॉबैक्स पर काम किया था। रदरफोर्ड ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में घूमता है, ठीक है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है। बीच में क्या होता है हमारा, किसी भी एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट होती है। तो इसने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता है तो वो एनर्जी को क्या करता है, एक तरीके से एनर्जी खर्च होती है, एनर्जी का निरंतर उत्सर्जन करेगा तो उसकी ऊर्जा कम होगी, उसकी त्रिज्या कम होगी। जब रेडियस कम होगी, त्रिज्या कम होगी, तो कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रॉन वापस आके न्यूक्लियस में गिर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो रदरफोर्ड का ये परमाणु मॉडल जो था वो फेल हो गया था। तो नील्स बोर ने इस ड्रॉबैक को इस पर काम किया और बताया कि जो पहला पॉस्टुलेट था नील्स बोर का, उसने कहा है, आप फर्स्ट पॉइंट में देखिएगा कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर एक निश्चित त्रिज्या वाली कक्षा में घूमता है, निश्चित त्रिज्या वाली सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट सिंपल आप देख पा रहे हो, एक ऑर्बिट है उसकी एक जो त्रिज्या है वो बिल्कुल कैसी है, निश्चित है, तो इलेक्ट्रॉन उसमें ही घूमेगा, ना उससे ऊपर जाएगा ना उससे नीचे जाएगा। और इन्होंने कहा कि ना तो एनर्जी, नेक्स्ट पॉइंट में जैसे कि जो चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं हैं इसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, नाइदर मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि ना तो ये एनर्जी को उत्सर्जित करता है, इमिट करता है, और ना ही ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, मतलब अवशोषित करता है, ये लगातार अपनी ऑर्बिट में घूमता रहता है। दूसरा पॉस्टुलेट था इनका इम्पोर्टेंट, एग्जाम में 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, और 2.5 में तो बहुत कम आता है, वैसे लॉन्ग क्वेश्चन में ही आता है ये। तो दूसरा इनका पॉस्टुलेट ये था कि जो परमाणु है नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्ताकार कक्षाएं संभव होती हैं, जैसे आप जानते हो, तो उन कक्षाओं में ऊर्जा का उत्सर्जन तथा अवशोषण किए बिना इलेक्ट्रॉन घूमता है। दूसरी बात ये थी। थर्ड इनका पॉस्टुलेट था कि परमाणु केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जिसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणित होता है, ठीक है। तो जो कक्षाएं जिनका कोणीय संवेग कितना हो, h/2π, और उन कक्षाओं को हम कहते हैं स्थायी कक्षाएं, ठीक है। हर इलेक्ट्रॉन की अपनी एक निश्चित कक्षा होती है और इलेक्ट्रॉन उसमें ही घूमता है, वो जब तक अपनी कक्षा नहीं जोड़ता, जब तक उसे कहीं से हीट ना मिले, एनर्जी ना मिले, उसके बाद वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है थोड़ी देर के लिए, फिर वापस अपनी कक्षा में आकर फिर वहीं पे घूमने लगता है। जैसे एक एग्जाम्पल है कि यदि एम द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन आर त्रिज्या की कक्षा में बी वेग से घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr होगा, तथा बोर के इस नियम के अनुसार तो एक फॉर्मूला है mvr बराबर n h/2π। तो सिंपल कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका द्रव्यमान m है, त्रिज्या हमारी r है, वेग उसका b है,
तो कोणीय संवेग क्या होगा, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, जिसमें h बराबर है हमारा प्लांक कांस्टेंट और n है इसकी मुख्य क्वांटम संख्या, जिसकी वैल्यू आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 6.6260 मल्टीप्लाइड 10^-34। ठीक है, तो कितने, तीन पॉस्टुलेट हमारी समझ में आए। पहला पॉस्टुलेट था कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, उसकी त्रिज्या निश्चित होती है। दूसरा था कि बिना एनर्जी को एमिट किए और एब्जॉर्ब किए घूमता है। तीसरा था उस कक्षा का कोणीय संवेग जो होता है वो निश्चित होता है, एच बटे टू पाई का पूर्ण गुणित होता है, जिसे स्थाई कक्षा कहते हैं। तो फोर्थ है इसका कि जो हमारा एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बाहर सेल हैं, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो KLMN। तो ये जो चारों सेल हैं, जैसे के सेल न्यूक्लियस के पास है, एल थोड़ी दूर है, एम और दूर है और एन और दूर है। तो आप देखो कि जो के सेल है इसकी एनर्जी क्या है, कम। जो न्यूक्लियस के पास सेल होगी उसकी एनर्जी तो होगी कम और स्टेबिलिटी होगी ज़्यादा। ठीक वैसे ही L की एनर्जी और ज़्यादा होती है, M की और ज़्यादा होगी, N की और ज़्यादा होगी। तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि जैसे जैसे सेल न्यूक्लियस से दूर जाती हैं तो उनकी एनर्जी जो है बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये है इसका एक तरीके से जो हमारी सेल है उनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो एग्जाम में सिंपल पूछ लेता है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए या एनर्जी ऑर्डर बताइए, तो स्टेबिलिटी का जस्ट अपोजिट होता है हमारा एनर्जी ऑर्डर, ऊर्जा का क्रम। ठीक है, तो ये हमारे चार पॉस्टुलेट हैं मेन जो आपको याद रखने हैं। अब बात आती है नील्स बोर के परमाणु मॉडल के दोष क्या थे। तो सबसे पहला जो दोष था नील्स बोर के परमाणु मॉडल का, कि इन्होंने केवल एक इलेक्ट्रॉन पर काम किया था। नील्स बोर ने परमाणु मॉडल में केवल उन्हीं एलिमेंट की स्टडी की थी जिनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे Hc+, Li2+ और Be3+। तो ये केवल एक इलेक्ट्रॉन के स्पेक्ट्रम को ही बता पाए थे। अगर किसी एलिमेंट के अंदर एक से अधिक इलेक्ट्रॉन है, सपोज Hc में प्लस ना लगाओ तो Hc का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 2। Hc का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 2। तो 2 के लिए ये मॉडल काम नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या था कि जो इनका स्पेक्ट्रम देखा गया, जो स्पेक्ट्रम देखा गया एलिमेंट का, तो उसमें क्या देखा गया कि एक सिंगल लाइन मिल रही थी, और जो सिंगल लाइन मिल रही थी वो सिंगल लाइन जो है उसके अंदर अगर रियलिटी में आप देखो तो क्या थी, फाइन लाइन थी, छोटी छोटी लाइन का एक समूह था, जो नील्स बोर उस समूह को नहीं बता पाया था, वो बस केवल एक ब्रॉड एक सिंगल लाइन को ही बता पाया था। ये इसका दूसरा ड्रॉबैक था। तो सिंपल आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल क्या है, तो आप 4-5 इसके पॉस्टुलेट बता दीजिएगा और 2 या 3 ड्रॉबैक। एक लास्ट ड्रॉबैक इसका ये था कि इस मॉडल द्वारा किसी अणु में आबंध के निर्माण को नहीं समझा गया। तो इस मॉडल के अंदर अगर किसी मॉलिक्यूल में कोई बॉन्ड बन रहा है उसको इसमें नहीं समझाया गया था। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, और कण के अंदर जो है एक तरीके से वेव नेचर होता है, उस वेव नेचर को भी ये मॉडल नहीं बता पाया था। तो ये इसके 3-4 ड्रॉबैक थे, कमियाँ थी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर का सबसे पहली बात, एटॉमिक नंबर का जो सिंबल होता है वो होता है जेड, जिसे हम क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक। तो आपने देखा कि एटम के अंदर जो एटम होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो बाहर जो ऑर्बिट होती हैं, जो कक्षाएं होती हैं, उनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो जो हमारा परमाणु क्रमांक है वो प्रोटोनों की संख्या पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, P बराबर एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो जितने प्रोटॉन होंगे किसी एटम के अंदर, किसी परमाणु के अंदर,
वही उसका परमाणु क्रमांक होगा, और प्रोटॉन की संख्या हमेशा इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो किसी परमाणु सिंपल किसी परमाणु किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन एग्जाम में आती है कि एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं। तो आप ध्यान रखोगे कि किसी भी परमाणु नाभिक के अंदर उपस्थित, नाभिक के अंदर ही तो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक। अगर एग्जाम में पूछ ले परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, तो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक, अब जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल दे रखा है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होने का अर्थ है कि हाइड्रोजन के परमाणु नाभिक में क्या है, एक प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन होता है, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। दूसरा एग्जाम्पल है सिंपल, जैसे कार्बन है सोडियम है, कार्बन है सोडियम है, तो आप देखो कि कार्बन और सोडियम के अंदर जो परमाणु क्रमांक कितना है, 6 और 11। इसका मतलब कार्बन और सोडियम के अंदर प्रोटोनों की संख्या कितनी है, सिंपल 6 और 11 होगी। नेक्स्ट है हमारा द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, मास नंबर, इसे हम मोलर मास भी कहते हैं। जैसे अभी बताया था मैंने आपको कि जो प्रोटोनों की संख्या होती है वही क्या होता है, परमाणु क्रमांक, लेकिन जो मास नंबर होता है वो क्या होता है कि किसी भी एटम के अंदर जो एटम है, एटम के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो दोनों को मिलाकर जो योग बनेगा वो हमारा कहलाएगा द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या क्या होगी, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं या परमाणु भार कहते हैं। जैसे सोडियम का भी एग्जाम्पल लिया था, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, और परमाणु भार कितना होता है, 23। इसका मतलब उसके अंदर कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है, तो 23 का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के बराबर तो प्रोटॉन होंगे, तो 11 तो हो गए उसके अंदर प्रोटॉन और 12 हो गए उसके अंदर न्यूट्रॉन। तो 11+12 बराबर होगा 23। तो इसको जो हम इंडिकेट करते हैं या एक तरीके से इसका प्रतीक है द्रव्यमान संख्या का या मास नंबर का होता है ए। तो ए बराबर आप फॉर्मूले में देखिए स्क्रीन पर P+N, ठीक है, और यहाँ पर ए है द्रव्यमान संख्या, पी है प्रोटोनों की संख्या, और एन है हमारा न्यूट्रॉनों की संख्या, जेड है हमारा परमाणु क्रमांक। एक बार दोबारा समझ लीजिए, ए है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या का प्रतीक या सिंबल, और इसका सिंपल मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं वो उसका मास नंबर होता है, द्रव्यमान संख्या होती है। अब प्रोटॉन को हम किससे शो कर सकते थे, अभी बताया था जेड से, तो ए बराबर हुआ जेड प्लस एन। इसमें जेड क्या है आपका परमाणु क्रमांक, एन क्या है न्यूट्रॉनों की संख्या, पी है प्रोटॉनों की संख्या, और ए है द्रव्यमान संख्या। तो एग्जाम में सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है कि परमाणु क्रमांक और परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या को परिभाषित करो, उदाहरण देकर समझाओ। अब इसका अगर एग्जाम्पल आए सिंपल द्रव्यमान संख्या का, तो सिंपल आप बता सकते हो कि इसका उदाहरण जैसे सोडियम का एग्जाम्पल आप ले सकते हो, ठीक है, तो सोडियम के अंदर 11 उसका परमाणु क्रमांक होता है और 23 उसका परमाणु भार होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा कि समस्थानिक और समभारिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपका इस यूनिट का, और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। समस्थानिक होता है आइसोटोप। तो 1913 में फ्रेडरिक सोडी ने रेडियो एक्टिव तत्वों के समस्थानिकों की खोज की, ठीक है। तो जो इसकी रिसर्च की थी वो किसने की थी, वैज्ञानिक कौन थे, सोडी, केवल सोडी याद करके भी काम चल सकता है। तो इन्होंने क्या बताया था कि हमारे समस्थानिक क्या होते हैं, कि किसी एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्याएं अलग होती हैं, परमाणु क्रमांक समान
और द्रव्यमान संख्याएं अलग, मतलब एटॉमिक नंबर सेम और मोलर मास डिफरेंट। जैसे सिंपल एक एग्जांपल में देखिए, हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप होते हैं या समस्थानिक होते हैं। सिंपल हाइड्रोजन में प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटीनियम। तो प्रोटियम में आप देखें कि हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो सब बन बन है, लेकिन जो परमाणु भार है, मोलर मास है, वो क्या है, 1, 2, 3। तो ये क्या है, आइसोटोप। आइसोटोप क्या है, जैसे क्लोरीन का एग्जांपल आप देखिए, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 17, लेकिन परमाणु भार कितना है, मोलर मास है 35 और 37। तो समस्थानिक क्या हुए, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्याएं या परमाणु भार अलग अलग होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, समस्थानिक। और समस्थानिकों का सिंपल यूज आता है लास्ट में कि बताओ इनके क्या यूजेज हैं। तो आपको जैसे कि आपको समस्थानिकों का मेन जो यूज होता है वो होता है एक तरीके से मेडिकल यूज होता है इसका, चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है। जैसे सपोज करो कि कोबाल्ट 60 है, इसका हम प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं कैंसर के उपचार में, कैंसर के उपचार में रेडियोथेरेपी में किया जाता है। कोबाल्ट 60 आइसोटोप का जो यूज किया जाता है वो किस में किया जाता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में, रेडियोथेरेपी में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आयोडीन 131 का जो यूज है वो घेंगा रोग होता है, आयोडीन की एक्सेस से होता है, की कमी, आयोडीन की सॉरी कमी से होता है, तो वहाँ पर आयोडीन के आइसोटोप का यूज किया जाता है। तो इसके दो या तीन यूज याद रख लीजिए। एक है हमारा कार्बन 14 का जो यूज किया जाता है, वो एक तरीके से जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं, जैसे लकड़ी है बहुत पुरानी है तो उसकी एज अगर हमें पता करनी है तो वहाँ पर इसका यूज किया जाता है उसकी एज को पता करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यूरेनियम, अब आपके यूरेनियम 238 और थोरियम 232 का यूज भी, जो पुरानी हमारी चट्टानें होती हैं, पहाड़ जो होते हैं, उनकी आयु को जानने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो समस्थानिक के 3-4 यूज और समस्थानिक की डेफिनेशन विद एग्जाम्पल, और सबसे आसान एग्जाम्पल है इसका, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और टाइटेनियम। तो समस्थानिक उसे कहते हैं जिसका एटॉमिक नंबर सेम और मोलर मास डिफरेंट होता है। नेक्स्ट है संभारिक। संभारिक जस्ट समस्थानिक का अपोजिट होता है, आइसोटोप का जस्ट अपोजिट होता है आइसोबार, जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग परंतु द्रव्यमान संख्याएं क्या होती हैं, समान, मोलर मास क्या होता है, समान। जैसे आर्गन और कैल्शियम का एग्जांपल आप देखिए स्क्रीन पर, कि आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है, 18, और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 20, बट दोनों का जो मोलर मास है, जो द्रव्यमान संख्याएं क्या हैं, डिफरेंट, ठीक है। ऐसे ही कार्बन और नाइट्रोजन, दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट दोनों का मोलर मास जो है कितना है, 14 और 14। इनका कोई विशेष यूज नहीं है संभारिकों का। तो आपको संभारिक और समस्थानिक दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए, सिंपल डिफरेंस भी आता है एग्जाम में, या कह देता है कि बताओ संभारिक और के एग्जाम्पल बताइए या पहचानिए एक नंबर में कि कौन सा समस्थानिक है कौन सा संभारिक है। तो एटॉमिक नंबर, मोलर मास, आइसोटोप और आइसोबार, इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है।